उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। देखती आंखों सुनते गानों को समाद अहमद खान का सलाम। तो बात है कुछ ऐसी कि आज हम बात करेंगे टिकटॉक पे, क्योंकि जब से पबजी मोबाइल के ऊपर बैन लगा है बहुत से सोशल मीडिया पे लोग ये कह रहे हैं कि टिकटॉक पे भी बैन लगना चाहिए। तो आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन होगा टिकटॉक। और मैं जानता हूं कि टिकटॉक से मुझे भी कुछ एतराजात हैं, आपको भी डेफिनेटली होंगे, लेकिन इन सारे एतराजात के बावजूद इमेजिन करें, जरा पॉजिटिवली सोचें एंड वॉक इन माई शूज और सोचें कि एक ऐसा लड़का या लड़की जो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट है, सबसे पहले उस बच्चे के ऊपर आता है कॉलेज या यूनिवर्सिटी की पढ़ाई, असाइनमेंट्स, प्रोजेक्ट्स, उसकी टेंशन, फिर उसके बाद घर के इश्यूज, उसकी टेंशन, फिर उसके बाद रिश्तेदारों की बातें, सबसे इंपॉर्टेंट उसकी टेंशन, फिर रोजाना का आना जाना, ट्रैफिक बहुत एक हर्डल है, और उसके बाद जब वो आखिर में टीवी ऑन करता है न्यूज या ड्रामा देखने के लिए, तो न्यूज में अलग टेंशन टेंशन और ड्रामा में अलग स्ट्रेस, डिप्रेशन, टेंशन, खासतौर पे लड़कियों के लिए, क्योंकि हमारे ड्रामे में दिखाया जाता है एक लड़की है जो बेचारी जुल्म सह रही है और बहुत सारी निब्बीज उसको रिलेटेबल कह लेती हैं, जो कि बिल्कुल सही है। तो इन सारी टेंशन के बाद जब वो लड़का या लड़की अपने दिन का एक थोड़ा सा 15-20 मिनट, आधा घंटा, एक घंटा निकाल कर टिकटॉक देख लेता है या बना लेता है, तो आपको लगता है हमें उसकी इस खुशी पर पाबंदी लगानी चाहिए? और हमारे लोगों की सबसे बुरी चीज पता है क्या है? When it comes to like और dislike, तो हमारे लोगों की जो सोच है ना वो इतनी सी हो जाती है लिटरली, क्योंकि जब भी इस चीज की बात आती है कि लोगों को टिकटॉक पसंद है, एतराज करने वाले हैं, बिल्कुल हैं, जिसमें एतराज वालों में थोड़ा बहुत मैं भी हूं, तो लोग कहते हैं टिकटॉक पे दुनिया खत्म नहीं हो जाती एंड फाइंड समथिंग एल्स, किसी और चीज में दिल लगाओ। क्योंकि जैसा मैंने अपनी पबजी मोबाइल वाली वीडियो में बताया था, एक अंकल से मेरा झगड़ा हुआ और उन्होंने कहा कि नहीं, जो पबजी मोबाइल खेलते थे उस पर बैन लग गया, वो कुछ और खेल लेंगे, तो उनको ये नहीं मालूम कि उस लड़के ने कितने दिन में सीखा, 3 महीने लगे, 6 महीने लगे, साल लगा उसमें, उसने वो गेम सीखा और अब जब ऑनलाइन स्ट्रीमिंग से उसने पैसे कमाना शुरू करे तो गेम बैन हो गया और अब लोग कह रहे कुछ और कर लो। दिस इज बुलशिट। इसी तरीके से एक लड़का या लड़की जिसका टिकटॉक में दिल लग रहा है, जिसको टिकटॉक पसंद है, टिकटॉक बनाना पसंद है, देखना पसंद है, आप टिकटॉक को बैन कर दोगे तो इतनी सारी टेंशंस, डिप्रेशंस, हर्डल के बाद अब वो ये ढूंढे कि उसको किस चीज में दिल लगाना चाहिए सीरियसली। चलो लेट मी टेल यू, मुझे टिकटॉक से क्या एतराज आता है। मुझे सबसे बड़ा ये एतराज है कि उस पे लड़के, मैं खासतौर पे लड़कों को पॉइंट आउट कर रहा हूं, लड़के जो है वो लड़की वाला मेकअप करके और लड़की बन के उसके ऊपर एक्ट कर रहे हैं, विच इज नॉनसेंस। देखो, एक्टिंग, डांसिंग एक फील्ड है, उससे आपको कोई रोक नहीं रहा, लेकिन एटलीस्ट बी योर सेल्फ, लड़की बनने की क्या जरूरत है। दूसरा, टिकटॉक इज जस्ट एन ऐप और ज्यादा से ज्यादा हॉबी, आप पूरा पूरा दिन इस पे जाया नहीं करें। मैं क्या देखता हूँ, हमारे यहाँ कराची में फेरर हॉल है, उसके पास पार्क है, तो दिन में गुजरो तो लड़के वहां पे टिकटॉक बना रहे होते हैं, शाम में गुजरो तो टिकटॉक बना रहे होते हैं, पूरा पूरा दिन इस पे जाया कर रहे हैं, विच इज ऑल्सो रॉन्ग। अगर फॉलोअर्स और लाइक्स गेन नहीं हो रही तो सबसे पहले ये देखो कि कहां पे लैग कर रहे हो, उस पॉइंट को पकड़ो, उस पॉइंट को ठीक करो, डेफिनेटली यू विल गेट द लाइक्स एंड फॉलोअर्स। देखो, मेरी एक बात याद रखना, हर ऐप का ना एक टाइम आता है और उसी ऐप का जो टाइम पीरियड होता है उसी के दरमियान आपने स्टार बन के उभरना होता है। उस ऐप का टाइम गुजर गया, उसके बाद आप कुछ नहीं कर सकते, जस्ट लाइक डब स्मैश। डब स्मैश आया था, डब स्मैश से बहुत सारे स्टार्स हमारे सामने आए जिन्होंने उस ऐप को यूज करा और सही तरीके से यूज करा और स्टार्स बन के उभरे, डब स्मैश का टाइम चला गया। अब कोई डब स्मैश बनाएगा तो वो कंसिडर नहीं किया जाएगा, लोगों की नजरों में नहीं आएगा, क्यों, उस ऐप का टाइम चला गया। इसी तरह म्यूजिकली का टाइम था, इस वक्त टिकटॉक का टाइम चल रहा है, दिस इज द राइट टाइम। अगर आप चाहते हैं कि उसके अंदर टिकटॉक में आप अपनी इमेज ऐसी बना ले कि आप मेन स्ट्रीम पे आ जाए, तो दिस इज द राइट टाइम। और देखो, जब हम भी यूट्यूबर्स, जब हमें लाइक सब्सक्राइबर्स मिलना बंद हो जाता है ना, तो हम SEO सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करते हैं और चेक करते हैं कि हम लैग कहां कर रहे हैं। तो इसी टाइम पीरियड के दौरान आप लैग फाइंड करें कहां है, जिसकी वजह से आपके व्यूज, आपके सब्सक्राइबर्स, आई डोंट नो टिकटॉक पे क्या होता है, मैंने बहुत कम यूज करा है, तो ज्यादा यूज नहीं करा, तो फॉलोअर्स और लाइक्स आपके कहां रुक गए हैं, उस लैग को फाइंड करना है और इसी टाइम में स्टार बन के उभरना है, जैसे बहुत सारे लड़के लड़कियां निकलकर जो है वो सामने आए हैं। और उन लड़के लड़कियों को अभी भी बहुत मेहनत की जरूरत है, हमारे जो डायरेक्टर्स हैं जो उनको कास्ट कर रहे हैं उनको चाहिए उन्हें और पॉलिश करें, क्योंकि देखो लिपसिंग करना विद टन्स ऑफ मेकअप एंड फिल्टर इज नो टैलेंट एट ऑल, हम सब इस चीज को जानते हैं। ये लड़के लड़कियां जो आए हैं ये अपने गुड लुक्स की वजह से आए हैं,
हैं, लेकिन गुड लुक्स इज नॉट एवरीथिंग। जब एक्टिंग की बात आती है तो उसमें डायलॉग डिलीवरी होती है, डायलॉग किस टाइम पे बोलना है, किस टाइम पे रुकना है, किस तरीके से देना है आंसर, ये सारी बहुत बड़ी चीज है एक्टिंग के अंदर। अगर एज अ मॉडल्स यूज करना है तो ये बच्चे बहुत बेहतरीन है, लेकिन अगर एक्टिंग में यूज करना है तो इन बच्चों को अभी भी बहुत पॉलिश होने की जरूरत है। अच्छा, टिकटॉक के बारे में बात हो रही है तो मैं एक बात करता चलूं, टिकटॉक का भी ना हम इस्तेमाल सही से नहीं कर रहे। मैं उसकी वजह बताऊं क्यों, क्योंकि हमने अब तक जो टिकटॉक देखा है वो लिपसिंग देखा है। टिकटॉक के अंदर एक ऐसा मोड आता है, इट्स जस्ट लाइक अ कैमरा, ठीक है, जो हम नॉर्मल वीडियो यूज करते हैं ना, वीडियो बनाते हैं, बिल्कुल वैसा ही, जिसके अंदर आप अपना रेयर टैलेंट दिखा सकते हैं, आपकी सिंगिंग, आपकी डांसिंग, आपकी एक्टिंग, डायलॉग डिलीवरी, ये सब उसके अंदर आप दिखा सकते हैं, क्योंकि वो बिल्कुल प्लेन कैमरा मोड होता है और बाद में उसको पब्लिश कर सकते हैं। टिकटॉक के अंदर वो मोड जो है ना, वो आपका असली टैलेंट दिखाएगा। इफ यू हैव टैलेंट तो आपका टैलेंट उस मोड से पता चलेगा, लिपसिंग से नहीं पता चलेगा। लिपसिंग पे लोग यही कहेंगे कि यार इतना सारा मेकअप किया हुआ है, फिल्टर लगाए हुए और लिपसिंगिंग कर रहे हैं तो कोई टैलेंट नहीं है। तो अपना टैलेंट दिखाने के लिए आपको अपने डायलॉग्स चाहिए, अपनी डांसिंग स्किल्स चाहिए, अपनी एक्टिंग स्किल्स चाहिए। मैं आपको बताऊं मेरी फेवरेट टिकटॉकर कौन है। मेरी फेवरेट टिकटॉकर है लिया इलुई। दिस गर्ल इज 24 ईयर ओल्ड फ्रॉम फ्रांस पेरिस और दिस इज रेयर टैलेंट। इस लड़की ने सबसे पहले जो है वो डब स्मैश बनाया, डब स्मैश के बाद म्यूजिकली, फिर टिकटॉक और डब स्मैश से ही ये पॉपुलर हुई है। और लिया जो है इस वक्त वर्ल्ड के टॉप 10 टिकटॉकर्स में आती है और इसका टैलेंट है इसके किलर डांसिंग मूव्स। लिया के जो फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम पे वो 11 मिलियन हैं। पाकिस्तान के जितने टिकटॉकर बच्चे हैं उन सबके भी हम फॉलोअर्स मिला लें तो कभी भी 11 मिलियन नहीं बनेंगे। इसके 11 मिलियन फॉलोअर्स क्यों हैं? क्योंकि इसने पूरी दुनिया से अपने फैंस बनाए अपने डांस मूव्स की वजह से। यूट्यूब पे जाके लिया इलुई लिखोगे तो टन्स ऑफ वीडियोस आ जाएंगी। इसका इंस्टाग्राम चेक करो, इसकी यूट्यूब पे वीडियोस चेक करो, इसके किलर मूव्स देखो। इसने अपना टैलेंट दिखाया और अपना लोहा मनवा लिया। मैं आप लोगों को बताऊं, मेरे पाकिस्तान में बहुत टैलेंट है, बहुत रेयर टैलेंट भरा पड़ा हुआ है लड़के लड़कियों में। सिर्फ उनको सही समझाने की, गाइडेंस की, सही मोटिवेशन की जरूरत है, वो सारे हीरे बनकर उभरेंगे। तो इतनी मैंने जो आपके दिमाग की चटनी करी, उस सब का एक ही मेरा मुद्दा है, बैन नहीं होना चाहिए। इस बैन करने वाली सोसाइटी ने ना बहुत नुकसान पहुंचाया पाकिस्तान को, और बैन करना कोई हल नहीं होता। जब हम देखते हैं ना कोई चीज गलत हो रही है या कोई चीज अगेंस्ट द लॉ हो रही है या एनीथिंग, तो हम उसके अंदर रिफॉर्म्स लाते हैं, उसको बैन नहीं करते। बैनिंग इज नॉट अ सॉल्यूशन। और मैं तमाम लड़के लड़कियां, टिकटॉकर, यूट्यूबर, किसी भी डिजिटल या सोशल मीडिया से रिलेटेड चीज में वो वाबस्ता है, वो किसी किस्म की भी हेल्प चाहते हैं, मोटिवेशनल चाहते हैं, कुछ भी सीखना चाहते हैं, एनीथिंग, यू कैन राइट टू मी एनी टाइम। आपके पास मेरे सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, यू कैन राइट टू मी, गेट इन टच, आई मोटिवेट यू भाई, यू कैन राइट टू मी एनी टाइम, आई एम हियर फॉर यू। इस ऐप के इश्यूज, सोसाइटी पर असर, प्रोस कॉन्स क्या हैं, ऐप बैन होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, और कोई फायदे हैं या और कोई नुकसान हैं, कमेंट बॉक्स में डिस्कशन ओपन है, ओपन डिस्कशन करें। जिस सोसाइटी में डिस्कशन नहीं होते वो सोसाइटी कभी प्रॉस्पर नहीं हो पाती, तो डिस्कशन इज ओपन। अच्छा, इतने डिस्कशन के बाद भी जो मैंने पॉजिटिव चीजें बताई हैं और सब कुछ आपके सामने रखा है, इसके बाद भी अगर कोई इस ऐप से ग्रज रख के बैठा हुआ है तो मैं उसको इत्मीनान दिलाना चाहता हूं कि देखो, हर इस तरीके की जो फन ऐप होती है ना, उसका एक दौर आता है और फिर वो खत्म हो जाती है। डब स्मैश आया, खत्म हो गया। जब डब स्मैश आया था हमें नहीं लगा था कि ये चीज चली जाएगी और ये बल्कि लोगों की हॉबी बन गई है, लेकिन डब स्मैश का भी टाइम गया, म्यूजिकली का भी टाइम गया, ठीक है। उसके बाद लाइक ही आई है कोई ऐप, लेकिन उसको तो मेरे ख्याल में आई डोंट थिंक सो कोई इतनी खास डालता है। और टिकटॉक है, इसका भी एक टाइम है, चला जाएगा। सो ग्रज रख के नहीं बैठे, स्टे हैप्पी, खुश रहा करें। खुश रहने वालों की जो जिंदगी है वो थोड़ी ज्यादा होती है और उनको कोई मेंटल हेल्थ इश्यूज नहीं होते। सो स्टे हैप्पी, कीप स्माइलिंग, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।